International brand and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer. अजमेर रेलवे में अधिकारियों की सुस्ती का आलम देखिए कि रेलवे का माल दिल्ली से अजमेर आया एक कबाड़ी ट्रक में लोड कर ले गया। दिल्ली के इस कबाड़ी का ट्रेलर देखिए कि जिस रेल के माल को बेचने के लिए नीलामी की जाती है उसे ये कबाड़ी रेल अधिकारियों की मिलीभगत से लेकर चपत हो जाता है। अजमेर रेलवे में भ्रष्टाचार और धांधली का ये आलम आज आपको हम दिखाते हैं कि कैसे यहाँ कबाड़ी अपनी हुकूमत चलाते हैं और रेल के कंडम माल को बिना नीलामी और बिना वजन को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। ये तस्वीर इंडिया मोटर सर्किल स्थित अभियांत्रिकी और यातायात प्रशिक्षण संस्थान की है, जहां रेल के कर्मचारी कहने को ड्यूटी पर तो हैं लेकिन किसी भी रेल कर्मचारी की ये हिम्मत नहीं हुई कि रेल के सामान को बिना नीलामी और बिना पर्ची के ट्रक में लोड कर कबाड़ी को रोक पाए। एमटीटीवी इंडिया की टीम ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली बातें हमारे सामने आई। दरअसल दिल्ली निवासी रियाजुद्दीन कबाड़ी रेल के कबाड़ को बिना नीलामी और बिना रसीद के अपने ट्रक में लोड करवा रहा था और इसी दौरान हमारी टीम अपने सूत्रों की सूचना पर मौके पर पहुंची, जहां हमने बिल के बारे में कबाड़ी से जब सवाल किए तो सारी पोल मौके पर ही खुल गई। रेल को चूना लगाने वाले कबाड़ी रियाजुद्दीन के मुताबिक उसने ये कबाड़ 1,30,000 रुपये में सीधे रेल अधिकारी से खरीदा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये कबाड़ लगभग 20,00,000 रुपए का है, जिसे अधिकारियों ने उन्हें पौने दाम में दिल्ली के कबाड़ी को बेच दिया है, जिसकी कोई पर्ची कबाड़ी के पास नहीं है। वहीं जब हमने वहां मौजूद रेलकर्मी से सवाल किया तो उसने मामले में अनभिज्ञता दिखाते हुए पूरे मामले को अधिकारी के पाले में डाल दिया। अब साहब, अधिकारी जब भ्रष्टाचार में शामिल हो तो भला कैमरे के सामने कैसे आते, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। हमने इस विभाग के अधिकारी से संपर्क किया लेकिन साहब ऑन ड्यूटी होते हुए भी विभाग से नदारत रहे। हालांकि रेल के कबाड़ को बेचने में भ्रष्टाचार की बू पहले भी कई बार सामने आई है और आज एक बार फिर रेल के कबाड़ को बेचकर राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस संबंध में हमने अजमेर रेलवे के अधिकारियों से भी बातचीत की लेकिन वह भी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। अधिकारी भी इस पूरे मामले को एक दूसरे के पाले में डालते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर रेल के कबाड़ में भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आती है और कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर बिना नीलामी के लाखों रुपए का कबाड़ ट्रक में लोड कैसे हुआ, बिना अधिकारी की मौजूदगी के माल ट्रक में लोड क्यों हुआ। सवाल ये भी कि क्या रेल विभाग से कोई भी कबाड़ रेलकर्मी के सामने से कोई ऐसे ही लोड करके ले जा सकता है, क्या बिना पर्ची और बिना वजन के रेल से कबाड़ बेचा जाता है। सवाल कई हैं जिनके जवाब अब रेल के उच्च अधिकारियों को मामले में जांच बैठाकर करनी होगी, जिससे कबाड़ में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों से वसूली की जा सके। माल हमारे जो है 1,30,000 रुपए की रसीद है हमारे पास। किससे आपकी डील हुई थी? ये क्या नाम है, हरिओम हरी जी से। ये यहाँ के इंचार्ज हैं। आप कौन? हमने तो माल खरीदा, हमने कबाड़े का काम है। कबाड़ी का काम जी। कितने रुपए का माल खरीदा आपने? 1,30,000 रुपए का। तो रसीद वगैरह दी आपको? हाँ, रसीद वो बिल बना रहे हैं ना, उन्हीं के पास है, बिल बना रहे हैं वो उसका। अच्छा, बिल जी बना रहे। MR काटी थी, MR में स्टेशन पे जमा करके आ गया पेमेंट अकाउंट में, उसकी रसीद ला के मैंने बिल के नहीं दिए इनको। काम कबाड़े का है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाजुद्दीन है। रहने वाले कहाँ हो? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली कहाँ पे माल खरीदने को लेके? दिल्ली इधर ही से हुई है। बोले सूचना वहाँ से? बोली बोली लगी थी या सूचना ही आपको? सूचना आई थी। अच्छा, इनका फोन आया, बोली बोली नहीं लगी? नहीं, बीच में इनके मिलने वाले थे, उन्होंने बताया था हमें। अच्छा, फिर हमने आके इनसे मीटिंग करी, इन्होंने बताया कि जिस तरह ये माल सेल के लिए है। जिससे आपने मीटिंग की उसका नाम क्या है? यही हरिओम जी ना, हरिलाल। हाँ जी, हाँ जी, हरिलाल जी। भैया मुझे बता नहीं है, तीन चार साहब बता सकते हैं सर जी? तो हम तो सब यहाँ पर एम्प्लॉई हैं। लगभग कितने का माल होना चाहिए और कितने का बेचा है? सर ये तो मुझे बता नहीं सर। आपके सामने माल को ट्रक में डाला जा रहा है। जी जी, तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा सर, मैं तो इसमें मतलब ही नहीं हो। आप कौन हो? मैं यहाँ पर एम्प्लॉई हूँ। आपका नाम क्या? ललित कुमार। माल किसने बेचा?
ये तो सब रेलवे जा रहा है गुड़सन पे, रेलवे ऑटो बेचा रहा है, रेलवे ने कोई टेंडर वगैरह निकाला है या? जी सर इतना मुझे बता नहीं, ये तो मैं थोड़ा फोर्थ क्लास में हूँ, मुझे पता नहीं चलेगा ना इसमें, तो इंचार्ज बताएंगे कैसे उड़ रहा है कैसे नहीं आया।